गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कभी वेबसाइट करेंगे कैसे। मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, आपको दो ऐप से मैं दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं कैसे वेबसाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये आप कोई भी ऐप खोल सकते हो। ये मैंने अभी फ्लिपकार्ट से खोला है, यहाँ से आप कर सकते हो। और एक मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको थोड़ा लॉन्ग मतलब ईजी है, वो भी ईजी है। तो जैसे कि मैंने कोई एक चूज़ कर लिया, जैसे कि बैंगलोर न्यू दिल्ली मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी मर्जी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे शो हो जाएगा जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको कोई भी कूपन रहेगा तो आप यहाँ पे कूपन ऐड कर सकते हो, फिर अप्लाई भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह शो हो जाएगा, कितना आएगा, पूरा चार्ज वगैरह देख सकते हो। फिर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कोई भी नाम सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं एक नाम लिख के रखा हूँ, ऐसे करना है। फिर यहाँ पे आपको नंबर वगैरह डिटेल्स दे देना है, फिर कंफर्म में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है जो आपको ये चूज करने के लिए बोलते, सीट जो ब्लू है वो आप चूज कर सकते हो और सब कुछ ही चूज कर सकते हो, लेकिन जो ग्रे में है वो आप चूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीट में आपका प्राइस है, जो ऊपर में आपको मेंशन किया गया, जो ब्लू है वो फ्री है एंड जो पिंक टाइप का है उसका शायद 400 या 250 करके ऐसे कुछ प्राइस लगा हुआ है। वो अकॉर्डिंग टू सीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई से भी सीट चूज कर सकते हो एंड चूज करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं अभी प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। फिर मैं आपको और भी एक ऑप्शन और भी एक तरीका दिखाऊंगा। फिर आप यहां से आके पेमेंट कर सकते हो। आपको तो पेमेंट के बारे में पता ही होगा, बहुत सारे ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, जो भी आपकी मर्जी है। तो आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। आप ये जो फ्लाइट है ये ऑन स्टॉप है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये पहले बेंगलुरु टू हैदराबाद जाएगा, फिर हैदराबाद टू दिल्ली जाएगा। तो वही आप देख लो। तो आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, प्रोसीड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे कोई एक टाइम मेंशन होता है, इस टाइम के अंदर हमें पेमेंट कर लेना है। इसके बाद जब ही आप पेमेंट कर लोगे, आपके मोबाइल नंबर जो दिया गया है उसमें भी एक मैसेज आ जाएगा एंड आपका जो ईमेल आईडी दे चुके हैं उस आईडी में भी पूरा एक पीडीएफ करके आ जाएगा, जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो एंड इसको आप एयरपोर्ट के अंदर आप खुद भी निकल सकते हो वहाँ पे मशीन से, या जहाँ पे आप जो टिकट काउंटर होते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो, मीन्स बोर्डिंग से पास होने से पहले। एंड यहाँ पे आप कुछ और दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल टिकट, तो आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो, कोई भी ईमेल ऐड करके दे सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ जहाँ पे आपको ब्लड दिख रहा है, मैं कुछ पर्सनल के लिए मैंने इसको ब्लड करके रखा हूँ, जो पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिला। तो आप यहाँ से कोई भी एक ईमेल दे सकते हो, जहाँ पे आपको ईमेल में आपका जो टिकट है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपके मनपसंद आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको और एक ऐप से भी करके दिखाऊंगा जो आपको अच्छा लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अपकमिंग जो फ्लाइट है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आपका रहा एक प्रोसेस जो मैंने फ्लिपकार्ट से किया है। एंड आपको और दूसरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कितना क्या चार्जेस है, क्या है, कैंसिल बुक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एंड कैंसिल फी भी लगता है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप मतलब कि आपको कैंसिल फी पे नहीं करना पड़ेगा, आपको कैंसिल पे भी पे करना पड़ेगा। तो आप वो देख लीजिए। एंड फिर सपोज दूसरा ऐप से मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये है अमेजोन से। तो ये भी बहुत ईजी है। तो अमेजोन से पहले आप पहले यहाँ पे जो ट्रेन का ऑप्शन है, जब आपको लोगों दिख रहा है, यहाँ पे आप टच करके भी डायरेक्टली जा सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, फिर ट्रेन से आप राइट की तरफ फ्लाइट में आ जाना। तो जैसे कि मैं लेफ्ट की तरफ आ गया, अभी ये बस, फिर आपको यहाँ पे आते होटल, फिर आते यहाँ पे लास्ट में फ्लाइट। तो आप यहाँ से चूज कर लेना है क्या कौन सा है, वन टू थ्री, या आना जाना दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेट भी करना है एंड कौन सा क्लास में टिकट करना चाहते हो वो कर लेना, कितनी टिकट चाहिए ट्रेवलर्स में ऐड कर देना। एंड अगर आप रिटर्न भी आना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जो आपको आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस नंबर मतलब कि कोई ऑफर्स हो रहा है यहाँ पे चाहिए तो आप येस कर देना। उसके बाद आप फाइंड फ्लाइट मतलब कि सर्च कर देना कि फ़्लाइट के लिए भी कौन कौन सा फ्लाइट अवेलेबल है। तो अभी आपको इसमें हम थोड़ा डिटेल्स में आपको बताएंगे कि आपको समझ में आए। तो अभी यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप पॉज करके देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे आगे, फिर आप यहाँ पे आपको बहुत तरह की आपको फ्लाइट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक जाएगा, कितने और लगेगा। एंड ये नॉन स्टॉप है या ऑन स्टॉप है या टू स्टॉप है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड आपको बिल्कुल राइट की तरफ आपको कुछ प्राइस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लिखा है 5235 करके। तो कोई भी एक में मैं जैसे क्लिक कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये शो हो गया। तो ये पहले दिल्ली टू गोवा जाएगा, उसके बाद गोवा टू बेंगलोर जाएगा। तो ये आप प्रोसेस देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक आपके पास कोई भी कूपन रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वहाँ पे शो होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टाइम का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी टाइम में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो आप थोड़ा टाइम का बहुत ध्यान रखना जब एक टिकट कन्फर्म करेंगे, तो बहुत सारे को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए मॉर्निंग AM PM लेके,
तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे जैसे ही मेरे पहले वाला नाम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक आपको नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जो आप सभी को पता ही है। फिर इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लो, फिर मैं आगे की ओर जाएंगे। जो प्राइस वगैरह डिस्काउंट यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो रहा है दिल्ली टू बैंगलोर, यहाँ पे आपको गोवा नहीं शो होगा, लेकिन हाँ गोवा पे एक स्टॉपेज है जहाँ पे उतरने के बाद फिर से आपको जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है जो कैशबैक के लिए, वो आपका क्रेडिट मतलब आई सी आई सी आई बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें से। तो आप ये छोड़िए, आपको मैं पूरा ध्यान से आपको पूरा बोल दूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे नाम शो रहा है, अपना नाम का स्पेलिंग भी देख लेना। जब आप जाएंगे आपके पास कोई एक आधार कार्ड का मतलब आधार कार्ड लेके जाना है, कोई भी कॉपी होना चाहिए। तो एंड उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे बोलने वाला था, हाँ ये जो अमेजोन से जो हम टिकट बुक करते हैं वो आप डायरेक्टली मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं मेक माई ट्रिप के अंदर, तब वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, दोनों सेम ही है। तो हम प्रोसीड में क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे आने के बाद अभी एक मिनट फ्रेंड्स लोडिंग हो रहा है। पेमेंट के बारे में पूछे तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, तो मैं तो यहाँ से डायरेक्टली UPI पेमेंट करूँगा। तो पेमेंट हो चुका है, अभी प्रोसेसिंग में है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, अभी यहाँ पे डाउनलोड ई टिकट आगे, अगर मैं डाउनलोड कर लूँगा तो ETC में आ जाएगा, तो मैं डाउनलोड भी कर लूँगा अभी। तो फ्रेंड्स इसको डाउनलोड भी कर लेंगे। एंड अभी ये मैं डाउनलोड हो रहा है, अभी इसको एक नया पेज ओपन हो गया। अब PDF से इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने PDF ओपन कर लिया, यहाँ पे पूरा डिटेल्स क्या आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पूरा अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते, चाहे तो इसको कोई भी ऑनलाइन शॉप में जगह इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, अगर आप मतलब कि अच्छा लगे तो ऐसे आपके मोबाइल से भी हो जाएगा, लेकिन आप चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा।